गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। अब हम आपके चैप्टर अनीता एंड द हनीबी से नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। वन स्वीट मेमोरी। आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉय इन माय विलेज आल्सो यूज्ड टू टीच यंग चिल्ड्रन। मुझे याद है कि मेरे गांव के अन्य कुछ बड़े लड़के भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग। और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्ट टू कॉल एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। और इसके लिए उन्होंने बच्चों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया कि वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए ना आया करें। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी। और एक समय ऐसा आया जब सारे बच्चों ने मेरे पास ट्यूशन आना बंद कर दिया और केवल दो ही बच्चे रह गए ट्यूशन पढ़ने के लिए। बट सोन दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर। और जल्दी ही सारे बच्चे वापस मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगे क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार और देखभाल के साथ पढ़ाया करती थी। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अपडेट क्लास 8। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8। क्या सारे बच्चों को ये पता है कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई निःशुल्क है, यानी फ्री एजुकेशन है? सारे बच्चों को 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ये फ्री एजुकेशन और ये प्रत्येक बच्चे का क्या है, राइट है, अधिकार है, जिसे कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि मतलब 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्लोली आई स्टार्ट टॉकिंग टू अदर्स पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल। और धीरे धीरे मैंने अन्य पेरेंट्स को भी मनाना शुरू कर दिया कि वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजा करें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और मेरे नेक इरादों को देखकर मेरे माता पिता ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। और मेरी माँ अकेले ही सारे घर का काम किया करती थी ताकि मुझे अधिक से अधिक समय मिले मेरी पढ़ाई करने के लिए। ओके बच्चों, ये पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ, आप वो सब अपनी कॉपी में करिए। ओके, थैंक यू।